पर राजधानी रायपुर से मिल रही है। प्रदेश भर में यानी छत्तीसगढ़ में अब मास्क नहीं लगाने पर जो जुर्माना वसूला जाता था उससे बढ़ा दिया गया है। अब मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। मास्क नहीं लगाने पर सरकार ने एक बार फिर से सख्ती की है। पहले जुर्माने की राशि 200 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने अब 500 रुपए कर दिया, यानी डबल से भी ज्यादा। लगातार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी अब गंभीर नजर आ रही है। हम रुक करेंगे, न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए जुर्माना लगाना यानी संकेत देता है कि सरकार सख्त हो गई है, लोग भी मान नहीं रहे, क्या है जानकारी? बिल्कुल, देखिए लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है। चेकिंग अभियान पहले से चल रहे थे, 200 रुपए जुर्माना पहले लग रहा था, उसके बावजूद निगम की टीम जब वसूली कर रही है तो बाद में पता चल रहा है कि लोग जुर्माना दे दे रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगा रहे। तो ये प्रशासन का अंदाजा है कि शायद अब राशि को दुगुना कर दे, 500 रुपए कर दे, तो लोग बड़े फाइन के डर से मास्क लगाना कम से कम चालू कर दे। यही वजह है कि अब जुर्माना डबल कर दिया गया है। साथ ही कड़ाई करने के लिए खासकर तीन जिले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ पर प्रशासन को दिए गए निर्देश की सख्त कार्रवाई यहाँ पर हो, कड़ाई के साथ तमाम नियमों का पालन हो, क्योंकि यही तीनों जिले जो है वो हॉटस्पॉट बने हुए हैं। खासकर रायपुर और दुर्ग 50% से ज्यादा मामले इन्हीं जिलों से आ रहे हैं, इसीलिए इन पर खास तौर पे निगाह है। और ये मास्क के लेकर जुर्माना इसलिए भी किया गया क्योंकि सामने अभी त्योहार है, होली का त्योहार है, और लोग और भी ज्यादा लापरवाही ना करें। प्रशासन और सरकार ने ये मैसेज देने की कोशिश की जुर्माना बढ़ाकर कि और भी सख्त कदम इस मामले में उठाए जा सकते हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी चीजों से फिलहाल मंत्री ने इनकार किया है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी पहुंचाने के लिए अभिषेक।